इस इनइक्वालिटी में भी इस सिर्फ मिडल टर्म में एक्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में, क्योंकि -5 मौजूद है, तो इसको हम रिमूव करते हैं, हम मल्टीप्लाइंग करते हैं बाय -5 से। अब क्योंकि -5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। यहां पर भी इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, -5 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 15 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5, माइनस के 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स -4 आ जाएगा, ग्रेटर देन -5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 हो जाएगा। अब हम एक्स को आइसोलेट करने के लिए 4 को ऐड कर देते हैं, ताकि यहां पर -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएं, तो हर टर्म में हम 4 को ऐड करते हैं। अब यहां पर 15 + 4 19 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर -4 + 4 से कैंसिल आउट होके एक्स, ग्रेटर देन यहां पर -20 और प्लस का 4 माइनस का 16। अब यहां पर इस इनइक्वालिटी में क्योंकि सबसे छोटा नंबर -16 है, तो जो छोटा नंबर होता है उसको हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, -16 से बड़ा है एक्स, तो यहां पर -16 लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू 19 है, तो यहां पर 19 आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे एक्स सच दैट -16 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 19।